आज हम आपको बताएंगे चिकन कोरमा कैसे बनता है। यह हमने आधा किलो चिकन लिया है, यह हमने 250 ग्राम दही ली है और यह हमने 2 प्याज ली है। अब हम इसको बनाएंगे, चलो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह हमने 100 ग्राम ऑयल लिया है आधा किलो चिकन के लिए। अब हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे। ये रही हमारी प्याज। ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो गई। इसको ज़्यादा नहीं करनी थी, नहीं तो ये जल जाएगी। अब हम इसको निकालेंगे। ये देखो हमने निकाल ली। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। चलिए इतने हम अपना चिकन फ्राई करते हैं। ये देखिए अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। इसमें हम नमक डालेंगे आधा चम्मच। हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई होता रहेगा। अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे 1 चम्मच और सूखा धनिया डालेंगे 1 चम्मच और ये हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इतने हमारा चिकन बन रहा है। हम अपनी प्याज देखेंगे। चलिए ये देखिए हमारी प्याज ठंडी हो गई। अब हम इसे ग्राइंडर में डाल के पीसेंगे। देखिए हमने ये 2 जवे लिए हैं लहसुन के, ये थोड़ा अदरक लिया है। अब हम इसमें दही भी डालेंगे। ये देखिए हम इसमें दही डाल ले हैं। इस तरीके से हम सारी दही डाल देंगे इसमें। ये देखिए हमने सब दही डाल दी। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए हमने ये तीसरी गलंडर में। अब हम इसमें डाल देंगे। ये हमने डाल दी। अब हम इसको फ्राई करेंगे जब तक हमारा मसाला भून नहीं जाता। ये देखिए हम इसी तरीके से करते रहेंगे। गरम मसाला डालेंगे। ये हमारा गरम मसाला खड़ा है। हमने 2 लौंग लिए, 4-5 काली मिर्च लिए, ये 1-2 तेज़पात के पत्ते लिए, 2-3 हरी इलायची लिए। हम ये इसमें डाल देंगे। तो हम इसको भूनेंगे। ये देखिए हमारा चिकन कितनी अच्छी तरह भुन गया। ये देखिए ग्रेवी भी हमारी हो गई। देखिए हमने इसमें थोड़ा ही नमक डाला था फ्राई करते हुए। अब हम इसको और डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये देखिए चिकन अच्छी तरह भून रहा है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे
मिक्सी लो गैस करके। ये देखिए अब हम इसको रखेंगे। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा मसाला लग रहा हो तो आप थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम तो अपने हिसाब से बना रहे हैं, हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए अब हम इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। चलिए अब हमारे 5 मिनट हो गए, हम इसको खोल के देखेंगे। ये देखिए हमारा चिकन बनके तैयार हो गया। ये देखिए हमारी ग्रेवी भी कितनी अच्छी बनी है। अब हम इसको निकालेंगे। ये देखिए हमने निकाल लिया इसको, हमारा चिकन बनके तैयार हो गया कितने कम समय में। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले और नीचे कमेंट करें।